हॅलो एवरीवन, आज आपण TYVMS ची जे काही तुमची 6th सेमिस्टर आहे त्याला सुरुवात करतोय. तुमची 5th सेमिस्टर तुम्ही ऑल क्लिअर झालं, सगळ्यांना कॉंग्रॅच्युलेशन. 6th सेमिस्टरमध्ये जे काही मार्केटिंगचे सब्जेक्ट्स आहेत, जनरली तुम्हाला ह्या सेमिस्टरला प्रोजेक्ट पण कम्प्लीट करायचा आहे. आणि माझ्या माहितीनुसार अजूनपर्यंत बरीचशी मुलं गाईड पर्यंत पोहोचलेलीच नाही आहेत. मी हा विषय मुद्दा म्हणून आपल्याला विषयाला सुरुवात करण्यापूर्वी सांगितलाय की जर तुम्हाला प्रोजेक्ट तुमचा सबमिट झाला नाही ह्या सेमिस्टरचा, तरी तुम्ही जर थिअरीमध्ये जरी ऑल क्लिअर असाल तरी सुद्धा KT मध्ये तुम्ही राहू शकता. प्रोजेक्टलाही तेवढंच इम्पॉर्टन्स आहे, त्यामुळे कोणीही निग्लेक्ट करायचं नाही. आता अजूनपर्यंत तुम्ही प्रोसेस फॉलो केली नसेल, गाईडशी भेट झालेली नसेल, तुमचे टॉपिक्स फायनल झाले नसतील, तर तत्परतेने क्विकली तुम्ही गाईडशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न करायचा आहे. तुम्हाला बाकीच्या सगळ्या प्रोजेक्ट रिलेटेड इन्स्ट्रक्शन सरांनी मीटिंग लावून सांगितलेल्याच आहेत, तरी सुद्धा काही कन्फ्युजन असेल तर प्लीज शिक्षकांशी संपर्क साधा, टीचर्सला विचारा आणि त्या पद्धतीने प्रोजेक्टच्या प्रिपरेशनला सुरुवात करायचीच आहे. किंवाही तुमची व्हायवा लागू शकते, ऑनलाईन असल्या कारणाने आता सांगू शकत नाही नक्की काही फिक्स, त्यामुळे तुम्ही तुमची तयारी पूर्णपणे कम्प्लीट करायची. त्यानंतर दुसरा पार्ट येतो की या सेमिस्टरला तुम्हाला ओआरचा एक कॉमन सब्जेक्ट आहे जो सगळ्यांसाठी सेम सिमिलर आहे, मार्केटिंगचे स्टुडंट असतील, फायनान्सचे असतील. आणि मार्केटिंगचे जे 4 सब्जेक्ट आहेत त्यामध्ये माझ्याकडे 2 सब्जेक्ट आहेत, इंटरनॅशनल मार्केटिंग आणि रिटेल मॅनेजमेंट. तर तुम्हाला टाइम टेबल मध्ये जे 4-4 हे दिलेले आहेत लेक्चर्स दोन्ही विषयांसाठी, तर सुरुवातीला मी दोन्ही मार्केटिंग माझ्याकडे असल्यामुळे तुम्हाला सिक्वेन्स राहावा आणि तो सब्जेक्ट पूर्णपणे तुमचा त्याचा सिक्वेन्स राहिला की तुम्हाला शेवटपर्यंत लक्षात राहील. या कारणाने आपण 1 बाय 1 एक एक सब्जेक्ट संपवणार आहोत. मध्येच टेस्ट वगैरे असेल तर आपण एखादा युनिट संपूया दुसऱ्या मार्केटिंगचा, म्हणजे जसं रिटेल मॅनेजमेंटचा. पण जनरली आपण 1 महिना तरी कमीत कमी एक विषय पूर्णपणे सिक्वेन्सने घेणार आहोत. लक्षात येते, म्हणजे सिलेबस घेताना तुम्हाला टाइम टेबल मध्ये जरी लेक्चर असेल रिटेल मॅनेजमेंटचं, तर इंटरनॅशनल मार्केटिंग कंटिन्यू करण्याचं ठरवलंय. त्या पद्धतीने आपण लेक्चर्स अरेंज करणार आहोत तुमचे TYचे. आता इथे टायमिंग मध्ये काही फ्लेक्सिबिलिटी असणार नाही, जे टाइम टेबल मध्ये टायमिंग आहे त्याच टायमिंगला तुमचं इंटरनॅशनल मार्केटिंगचं रोज एव्हरीडे म्हणजे लेक्चर होईल. त्यानंतर दुसरा प्रश्न आहे की इंटरनॅशनल मार्केटिंग आतापर्यंत जनरली तुम्ही SY ला जसं स्पेशलायझेशन चूज केलं, तर त्यामध्ये तुम्हाला मार्केटिंग घेतल्यानंतर बऱ्याच प्रत्येक सेमिस्टरला मार्केटिंगचे सब्जेक्ट तुम्ही स्टडी केले, त्यामध्ये सोशल मार्केटिंग असेल किंवा CV असेल, कंझ्युमर बिहेवियर स्टडी केलं असेल. तर आता या सेमिस्टरला तुम्हाला, म्हणजे तुम्ही सेल्स अँड डिस्ट्रीब्युशन स्टडी केला, या सेमिस्टरला तुम्हाला फायनल इयर आहे, तर इंटरनॅशनल मार्केटिंगचा थोडासा स्टडी त्यांनी दिलेला आहे. थोडासा म्हणण्यापेक्षा खूप डीप आहे. आणि त्यामुळे तुम्हाला फॉरेन मार्केटमध्ये एंट्री कशी मिळते किंवा फ्युचर तुमचं कसं असेल, या सगळ्या गोष्टींचा इथे तुम्हाला स्टडी करायचा आहे. म्हणजे फ्युचरमध्ये तुम्हाला जर या इंटरनॅशनल मार्केटिंगच्या थ्रू फॉरेन मार्केटमध्ये एंट्री करायची, तर तुम्हाला कुठले राईट्स आहेत, कुठले रिस्ट्रिक्शन्स आहेत, गव्हर्नमेंट कशा पद्धतीने सपोर्ट करेल, ह्या ऑल थिंग्स तुम्हाला तर या सब्जेक्टमध्ये स्टडी करायला मिळतील. तर त्यापूर्वी मी आपण सिलेबस बघणारच आहोत. सिलेबसमध्ये तुम्हाला मी एक छोटासा ओव्हरव्ह्यू पण देईल की टोटली आपल्याला ह्या 4 युनिट जे तुम्हाला स्क्रीनवर दिसत आहेत बघा, हे 4 युनिट्स दिसत आहेत. इंट्रोडक्शन टू इंटरनॅशनल मार्केटिंग अँड ट्रेड, इंट्रोडक्टिव्ह पार्ट दिलाय 1st युनिटमध्ये, 2nd युनिटमध्ये इंटरनॅशनल मार्केटिंग एन्व्हायरमेंट अँड मार्केटिंग रिसर्च, यामध्ये एन्व्हायरमेंटल स्टडी दिलेला आहे. जसं तुम्ही मार्केटिंग सब्जेक्ट स्टार्ट केला तसं तुम्ही SY मध्ये रुरल मार्केटिंग आहे मीच तुम्हाला शिकवला, त्यामध्ये जसं तुम्ही रुरल मार्केट एन्व्हायरमेंट स्टडी घेतून केला तसं इंटरनॅशनल लेवलचे मार्केटचं एन्व्हायरमेंट स्टडी करायचं आहे आपल्याला इथे.
त्या पद्धतीने त्याचा रिसर्च करावा लागेल. रिसर्च कसा केला जातो, मी डीपली खूप म्हणजे अगदी मागच्या वर्षी आपण फेस टू फेस कम्युनिकेशन होतं क्लासमध्ये मी तुम्हाला सांगितलंय की रिसर्च कसा केला जातो, कशा पद्धतीने त्या मार्केटचा स्टडी करावा लागतो. त्यानंतर आहे इंटरनॅशनल मार्केटिंग मिक्स. जसं तुम्हाला मागच्या वेळी मी सांगितलं की जो बेस आहे मार्केटिंगचा, तर त्यामध्ये मार्केटिंग मिक्स हा जो पार्ट आहे तो येतो. तर मार्केटिंग मिक्स मध्ये काय येतं, जनरली तुम्ही थोडंसं मागे गेलात तर लक्षात येईल, जसे आम्ही देखा ना प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन, तो इस तरह का जो स्टडी है. इंटरनेशनल लेवल पे अगर मुझे मार्केटिंग मिक्स अप्लाई करने हैं तो मुझे उसका रिसर्च करना पड़ेगा. रिसर्च करने के बाद एनवायरमेंट स्टडी करना पड़ेगा. एनवायरमेंट के बाद मैं डिसाइड कर सकूंगी कि मेरा किस टाइप का प्रोडक्ट है, मार्केट की डिमांड किस टाइप की है, वहाँ पे प्राइस कितनी होनी चाहिए, प्लेस कौन सी है, प्रमोशन किस तरह से दूंगे, मेरा डिस्ट्रीब्यूशन का चैनल किस टाइप का होगा. तो ये सारी चीजें इंटरनेशनल मार्केटिंग मिक्स में आएगी. डेवलपमेंट्स इन इंटरनेशनल मार्केटिंग, अभी जो स्टार्टिंग में इंटरनेशनल मार्केटिंग जब स्टार्ट हुआ तो उसके अंदर किस टाइप के प्रोविजन थे, अभी डेवलपमेंट किस चीज में हुई है, तो हम लोग डीपली देख सकते हैं यहाँ पे पॉइंट्स. जैसे कि इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल मार्केटिंग एंड ट्रेड, तो यहाँ पे कह दिया है कि फीचर्स ही है. जैसे हम किसी भी चीज के पहले इंट्रोडक्टिव पार्ट देखना है तो क्या देखते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स सिग्निफिकेंस. तो इसके अंदर हमें पता चलता है कि एग्जैक्टली इसका फीचर क्या है, नीड क्या है इसकी, ड्राइवर्स ऑफ इंटरनेशनल मार्केटिंग. अभी जरूरत है क्या, अगर हम लोग हमारे डोमेस्टिक मार्केट में सेल कर रहे हैं किसी एक प्रोडक्ट को, तो क्या जरूरत है क्या इंटरनेशनल मार्केटिंग में जाने की जरूरत है, अगर है तो क्यों है, ड्राइवर्स कौन से इंटरनेशनल मार्केटिंग के. प्रोसेस अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, प्रोसेस ऑफ इंटरनेशनल मार्केटिंग. अगर मुझे इंटरनेशनल मार्केटिंग में जाना है तो उसके लिए किस तरह किस टाइप की प्रोसेस होगी. ऐसा तो नहीं ना मैंने कल डिसाइड किया और आज मैंने डायरेक्टली एक बस ली या कोई ट्रांसपोर्ट सिस्टम ली और उसके थ्रू मैंने डायरेक्टली अपना प्रोडक्ट फॉरेन मार्केट में भेज दिया और वहां पे सेल कर दिया, तो इतना तो आसान नहीं. उसके लिए कुछ ना कुछ प्रोसेस तो होगी ना. तो फर्स्ट स्टेज क्या है प्रोसेस की, सेकंड स्टेज क्या है, डॉक्यूमेंटेशन किस टाइप का होगा, तो इसके लिए फेजेस को भी स्टडी करना पड़ेगा. फेजेस ऑफ इंटरनेशनल मार्केटिंग की कौन सी फेज रहती है, किस टाइप का रिस्ट्रिक्शन रहेगा, तो मुझे रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से क्या करना पड़ेगा, वो प्रोसेस कंप्लीट करनी पड़ेगी और उस तरह से मैं इंटरनेशनल मार्केटिंग में एंट्री कर सकती हूँ. ऐसा तो नहीं कोई भी पर्सन, मुझे कल एक सपना है कि मैंने फॉरेन मार्केट में बिजनेस स्टार्ट कर दिया और आज मैं झट से वहां पे पहुंच गया और मेरा बिजनेस स्टार्ट हुआ, तो इतनी आसान नहीं रहेगी. उसके लिए कुछ ना कुछ फेज आपको क्या करने पड़ेंगे, फेस करने पड़ेंगे. नेक्स्ट थिंग इज दैट डिफरेंस बिटवीन डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मार्केटिंग. जब हमने डोमेस्टिक मार्केटिंग के बारे में स्टडी किया, एस वाई में स्टडी किया, टी वाई में भी एक सेमेस्टर में हमने सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन स्टडी किया, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि क्या डिफरेंस है एग्जैक्टली इंटरनेशनल मार्केटिंग की प्रोसेस और डोमेस्टिक मार्केटिंग की प्रोसेस, इसके अंदर क्या डिफरेंस है. अगर मैं इंडिया में, मेरी कंट्री है और मैं इंडिया में मार्केटिंग कर रही हूँ, तो यहाँ पे मैंने किस टाइप का स्टडी किया, और अगर मुझे मेरा प्रोडक्ट फॉरेन मार्केट में बेचना है तो मैं किस तरह से प्रोसेस, मुझे किस तरह की प्रोसेस मुझे अप्लाई करनी पड़ेगी. एंटरिंग इंटरनेशनल मार्केट, अभी अगर एंटर करना है तो कौन से वेज है उसके लिए, जैसे एक्सपोर्ट करना उन्होंने देख दिया है. देखो यहाँ पे वेज ही है कि एंटर करने की लाइसेंसिंग प्रोसेस है. लाइसेंस के थ्रू हम लोग किसी एक का लाइसेंस यूज करके फॉरेन मार्केट में जा सकते हैं. फ्रेंचाइजिंग है, अपनी फ्रेंचाइजिंग और फ्रेंचाइजर, ये जो कॉन्सेप्ट स्टडी किए लास्ट ईयर में, तो वो यहाँ पे आपको अगेन इंटरनेशनल मार्केटिंग के दौरान अगेन स्टडी करने पड़ेंगे.
मर्जर्स एंड एक्विजिशन, जैसे कि हम लोगों ने बताया ना कि एकत्र करना जाएगा मर्जर्स एंड एक्विजिशन, तर कशा पद्धतीने तो बिझनेस एकत्र केला जातो आणि बाहेरच्या कंट्रीज पर्यंत तुमचे प्रोडक्ट्स जातात. जॉईंट व्हेंचर्स तर त्यामध्ये बऱ्यापैकी सेम सिमिलॅरिटी आहे. स्ट्रॅटेजिक अलायन्सेस आहेत किंवा होली ओन सबसिडियरीज आहेत ज्यांच्या थ्रू आपण काय करू शकतो, मार्केटमध्ये प्रोडक्ट पाठवू शकतो. यामध्ये ट्रंकी प्रोजेक्ट आहे, ग्लोबलायझेशन आहे कन्सेप्ट, आधुनिकीकरण, त्याचा तुम्हाला काय फायदा होतो. तर अशा पद्धतीने आज फक्त बेसिक मी तुम्हाला सांगते. एकदा जर आपला सिलेबस जेव्हा सुरू होईल ते आपण डीपमध्ये बघणारच आहोत. फक्त तुम्हाला एक जनरल आयडिया आली पाहिजे की इंटरनॅशनल मार्केटिंग मध्ये मला नक्की काय स्टडी करायचं आहे. ओके, सो इंट्रोडक्शन टू इंटरनॅशनल ट्रेड. तर त्यामध्ये बऱ्याचशा कंट्रीज दिलेल्या आहेत, कन्सेप्ट दिल्या आहेत की इंटरनॅशनल ट्रेड म्हणजे काय, किंवा बॅरियर्स कुठले असतात ट्रेडसाठी. जर तुम्ही बिझनेस करताय तर मग त्यामध्ये तारीख, नॉन तारीख, ट्रेडिंग ब्लॉक सिस्टीम मी तुम्हाला बऱ्यापैकी सांगितले, मागच्या वर्षी सांगितलं होतं की यामध्ये कंट्रीज दिलेल्या आहेत सार्क, एशियन, नाफ्टा, ईयू, ओपेक, म्हणजे ह्या ज्या कंट्रीज आहेत त्यांच्यामध्ये ट्रेडिंग ब्लॉक सिस्टीम काय असते की 7 किंवा 7 पेक्षा जास्त कंट्रीज एकत्र येतात आणि ते त्यांचे रुल्स जे काही ट्रेड रिलेटेड आहेत, म्हणजे आता तुम्हाला तारीख, कोटाज वगैरे तुम्ही पे करता की नाही बाहेरच्या कंट्रीज, बाउंड्रीच्या पलीकडे जेव्हा तुमचा प्रोडक्ट जातोय तर त्यासाठी ते रुल्स गव्हर्नमेंट तयार करते. मग प्रत्येक कंट्रीचे रुल्स वेगळे असतात आणि ते तुम्हाला फॉलो करणं नेसेसरी असतं. पण ह्या ज्या कंट्रीज आहेत 7 कंट्रीज ट्रेडिंग ब्लॉक सिस्टीम मध्ये एकत्र आलेल्या, ह्या स्वतःचे रुल्स स्वतः तयार करतात आणि ते रोल्स त्यांच्या ट्रेडिंग ब्लॉक सिस्टीम मध्ये जेवढ्या कंट्रीज आहेत त्यांना सेम सिमिलर असतात. त्यांच्यामध्ये जे काही एक्सपोर्टिंग इम्पोर्टिंग केलं जातं तर ते सेम रोल ते सगळ्या 7 कंट्रीज काय करतात, फॉलो करतात. बाहेरचे रोल्स जे आहेत ते तिथे अप्लाय केले जात नाहीत. ओके, नेक्स्ट थिंग आहे इंटरनॅशनल मार्केटिंग एन्व्हायरमेंट. इंटरनॅशनल मार्केटिंग एन्व्हायरमेंट हा जो सेकंड युनिट तुमचा इथे स्टार्ट होतो तर त्यामध्ये सुद्धा रिसर्च करायचं आहे तुम्हाला. एन्व्हायरमेंट स्टडी करताना जसं आपण रुरल मार्केटिंग मध्ये एन्व्हायरमेंट स्टडी करताना पॉप्युलेशन म्हणजे डेमोग्राफी, इकॉनॉमिक फॅक्टर्स स्टडी केले, तसंच इथे आता आपल्याला या सेमिस्टरला जेव्हा इंटरनॅशनल मार्केटिंगचं स्टडी करणार आहोत तो हम लोग यहाँ पे देख सकते, स्क्रीन पे आप लोग देख सकते, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट स्टडी करना है तो वर्ल्ड बैंक के बारे में जानकारी लेनी है, IMF, IFC जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में जानकारी लेनी है. उसके बाद हमें इंटीग्रेशन किस तरह से किया जाता है कि ये जो चीजें हैं, ये जो इकोनॉमिक रिलेटेड चीजें हैं उनका इंटीग्रेशन ज्यादा अपन एकत्रीकरण कस के फ्री ट्रेड अग्रीमेंट म्हणजे काय आहे, कस्टम युनियन काय आहे, कॉमन मार्केट काय आहे, या ज्या कन्सेप्ट आहेत तर हे आपल्याला सगळ्या काय करायच्यात समजून घ्यायच्या आहेत. इकॉनॉमिक एन्व्हायरमेंटमध्ये जनरली आपल्याला त्यांचा इकॉनॉमिक सोर्स कळतो, इकॉनॉमी स्ट्रॉंग आहे की पुअर आहे त्याची आयडिया येते, तिथे डेव्हलपमेंटसाठी काय केलं जातं ह्या गोष्टी लक्षात येतात. आगे हम देख सकते की पॉलिटिकल अँड लिगल एन्व्हायरमेंट. अभि अगर मुझे पॉलिटिकल एनवायरमेंट स्टडी करना है, लीगल एनवायरमेंट स्टडी करना है तो पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में जानकारी लेनी पड़ेगी. पॉलिटिकल रिस्क कौन से है, इनस्टेबल है या पॉलिटिक्स जो है स्टेबल है, इनस्टेबल है, उनका इंटरवेंशन कैसा है, लीगल सिस्टम किस तरह की, मतलब लॉज कैसे बनाए जाते हैं, लीगल डिफरेंस क्या है, मतलब लीगली जितने सारे प्रोसेस है वहाँ के कंट्री के तो वो मुझे स्टडी करना पड़ेगा, जिसकी वजह से मुझे एनवायरनमेंट के बारे में, लीगल एनवायरनमेंट के बारे में पता चलेगा. ये सब चीजें जानना बहुत जरूरी रहता है इंटरनेशनल मार्केटिंग के अंदर. नेक्स्ट जो है आपका कल्चरल एनवायरनमेंट. अगर मुझे कल्चर के बारे में जानकारी चाहिए, कंसेप्ट एलिमेंट्स ऑफ कल्चर, अभी यहाँ पे उन्होंने बताया लैंग्वेज है, रिलीजन है, वैल्यूज है, एटीट्यूड्स है, कल्चर किस तरह का है उस कंट्री का. तो कल्चर के बारे में जानकारी चाहिए तो वहाँ के जो कस्टमर्स है उनकी लैंग्वेज किस टाइप की है. अगर मुझे कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजीज अप्लाई करना है तो मुझे अगर उनकी लैंग्वेज पता चलती है, रिलीजन पता चलता है, रिलीजन की वजह से उनकी
डिमांड्स के बारे में पता चलता है, कंजप्शन के बारे में, पैटर्न कैसा है कंजप्शन पैटर्न उसके बारे में पता चलता है, वैल्यूज एंड एटीट्यूड्स क्या है, एटीट्यूड अगर समझ में आता है किसी एक कस्टमर का तो हमें उस तरह के प्रोडक्ट हम लोग क्या करेंगे सप्लाई करेंगे उस मार्केट के लिए। मैनर्स एंड कस्टम्स, एस्थेटिक्स एंड एजुकेशन, एजुकेशन यानी जनरली हमें जैसे हमने रूरल मार्केट के अंदर क्या स्टडी किया था कि कितने सारे पीपल्स लिटरेट है, लिटरेसी लेवल जैसे हमने स्टडी की थी, उसकी वजह से हमें एक एनवायरनमेंट समझ में आता है, कल्चरल वैल्यूज के बारे में जानना है, यहाँ पे जो कल्चरल एनवायरनमेंट है ना उसके अंदर जो हॉपस्टेट्स के सेज डायमेंशन दिए है उसके ऊपर क्वेश्चन आता है, वो हम डीपली स्टडी करने वाले आगे जाके। तो ये सिक्स डायमेंशन्स, परिमाण कुठला आहे, जसं तुम्ही एखादी गोष्ट स्टडी करायची तर त्यासाठी तुम्हाला डायमेन्शन्स कुठले दिले जातात, हॉपस्टेडने काही डायमेन्शन्स दिलेले ज्याच्या थ्रू आपण हा एन्व्हायरमेंटल स्टडी कम्प्लीट करू शकतो। ओके, नेक्स्ट सांगितलंय मार्केटिंग रिसर्च। आता मार्केटिंग रिसर्च मध्ये काय येतं की इंट्रोडक्टिव्ह पार्ट, आता इंट्रोडक्शन दिलेलं आहे, मार्केटिंग रिसर्च जो आहे त्याची गरज आहे का, नीड का आहे ते स्टडी केलं जाईल। इंटरनॅशनल मार्केटिंग रिसर्च प्रोसेस दिली जाईल तुम्हाला, जसं की कुठल्याही रिसर्च करताना तुम्हाला स्टेप दिला जातो ना, आता जसं प्रोजेक्टला तुम्हाला सांगितलंय फर्स्ट स्टेप मध्ये तुम्ही काय करायचंय, सेकंड स्टेप मध्ये काय करणार, थर्ड स्टेपला काय असेल, म्हणजे प्रत्येक जे ज्याला आपण अनालिसिस म्हणतो ना करताना लक्षात येत कि स्टेप बाय स्टेप जर गेला ती प्रोसेस करत गेला तर तो रिसर्च परफेक्ट होतो, फायनल आउटपुट मिळतो। जसे की हम लोग अगर हमने ऑब्जेक्ट डिसाइड किया है कि मुझे ये ऑब्जेक्ट चाहिए, मेरा फाइनल आउटपुट ये होगा, तो हम उसके ऊपर क्या करते हैं कि प्रोसेस का कंटिन्यू करते हैं, प्रोसेस के बाद वो आउटपुट निकलता है। तो स्कोप ऑफ इंटरनेशनल मार्केटिंग रिसर्च, अभी स्कोप क्या है इसके लिए, हम किस तरह से वो इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं या डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, स्कोप किस चीज के लिए है। आईटी मार्केटिंग रिसर्च, आईटी का रोल क्या है मार्केटिंग रिसर्च करते वक्त, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हमें किस तरह से हेल्प करती है, उसकी वजह से कितना क्विक रिजल्ट मिलता है या इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट कर सकते हैं, उसके बारे में जानकारी यहाँ पे दी है। नेक्स्ट जो है थर्ड आपका यूनिट है इंटरनेशनल मार्केटिंग मिक्स, ये बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है। तो इसके अंदर हमें देखना है कि इंटरनेशनल प्रोडक्ट लाइन डिसीजंस, प्रोडक्ट की लाइन रहती है, पता है ना इस बार में हमने स्टडी किया था कि एक ही प्रोडक्ट, एक ही ब्रांड के अलग अलग प्रोडक्ट्स है, प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइजेशन है, प्रोडक्ट अडेप्टेशन है, आर्ग्यूमेंट है, इंटरनेशनल प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल है। जैसे हमने डोमेस्टिक मार्केट की लाइफ साइकिल देखी ना, लाइफ साइकिल की पहले इंट्रोडक्टिव स्टेज, देन ग्रोथ स्टेज, मैच्योरिटी एंड डिक्लाइन, ये क्या है साइकिल है। तो इंटरनेशनल मार्केट में अगर प्रोडक्ट जाता है तो उसकी साइकिल किस तरह की होगी वो भी स्टडी करनी है, कि एक बार प्रोडक्ट एंटर हुआ तो डायरेक्टली ग्रोथ स्टेज पे जाता है, मैच्योरिटी पे जाता है या डिक्लाइन में गया, तो हम सेकेंड ऑप्शन हमारे हाथ में क्या, पैकेजिंग रोल ऑफ पैकेजिंग एंड लेबलिंग इन इंटरनेशनल मार्केट। अभी रोल क्या है पैकेजिंग का एंड लेबलिंग का, तो इस तरह से उन्होंने ये बताया, ब्रांडिंग डिसीजंस इन इंटरनेशनल मार्केट्स। अभी जो भी ब्रांड रिलेटेड डिसीजन है, किस टाइप का ब्रांड फॉरेन मार्केट में चलता है हमें रिसर्च करने के बाद तो पता ही चलेगा। उसके बाद है सेगमेंटेशन, इंटरनेशनल मार्केट का सेगमेंटेशन किस तरह से किया जाएगा, टारगेटिंग किस तरह से, जो चीजें हम डोमेस्टिक मार्केट में अप्लाई कर रहे थे ना मार्केटिंग के दौरान, तो वही चीजें हम इंटरनेशनल मार्केट में भी करना है। अगर मुझे प्रॉपर बेस पता है, इस बार में मैंने मार्केटिंग सीखा है, सेगमेंटेशन मतलब ग्रुप्स बनाना है, तो ग्रुप्स किस बेस पे किए जाते हैं, किस तरह का क्राइटेरिया होगा, टारगेट करना है तो टारगेटिंग करना मतलब क्या है, फोकस करना है, अट्रैक्ट करना है कस्टमर को, तो मैं कौन सी स्ट्रेटेजी अप्लाई करूंगी, पोजिशनिंग क्या है इंटरनेशनल प्रोडक्ट पोजिशनिंग, यानी कि उस प्रोडक्ट के लिए इंटरनेशनल लेवल पे उसकी पोजिशन क्या है, किस तरह से कस्टमर लाइक कर रहा है इस चीज को, मार्केट में चल रहा है प्रोडक्ट या नहीं चल रहा है, तो इसकी भी जानकारी हमें इस यूनिट के दौरान मिल सकती है। हमें इंटरनेशनल प्राइसिंग डिसीजंस, प्राइस कैसे डिसाइड की जाती है,
जसे म्हणले रेखा की ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंटरनेशनल प्राइसिंग. डोमेस्टिक मार्केट में तो हमारे ऑब्जेक्टिव क्या रहते हैं कि मुझे मार्केट कवर करना है, मुझे प्रॉफिट लेना है, मार्जिन इतना परसेंट लेना है, कस्टमर को सेटिस्फाई करना है, कस्टमर लॉन्ग लाइफ मेरे साथ रहे, इस तरह की मुझे स्ट्रेटेजी अप्लाई करनी है. ये मेरे ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं या थे मैंने जब डोमेस्टिक मार्केट का स्टडी किया. लेकिन अगर मैं इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रही हूँ, बहुत सारे कंट्रीज में मेरा प्रोडक्ट जा रहा है, तो मेरा ऑब्जेक्ट क्या है प्राइस. जब मैं डिसाइड करूंगी कि मेरे प्रोडक्ट की प्राइस अगर बहुत एक्सपेंसिव प्रोडक्ट है, तो मेरा ऑब्जेक्ट एग्जैक्टली क्या है. मुझे प्रोडक्ट की क्वालिटी प्रोवाइड करनी है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन लेना है, या कोई और चीज है जिसकी वजह से मैंने ये प्राइस डिसाइड की है. फैक्टर्स अफेक्टिंग इंटरनेशनल प्राइसिंग. कौन से फैक्टर्स है जो इंटरनेशनल लेवल पे हम प्राइस डिसाइड करते हैं तो वो अफेक्ट कर रहा है उस प्राइसिंग पे. क्यों? क्योंकि मुझे ज्यादा टैक्स पे करना पड़ रहा है, वहाँ के लीगल रूल्स कुछ इस तरह के हैं कि जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली मेरी प्राइस बढ़ तो रही है या तो कम हो रही है. तो मतलब कि पॉलिटिकल फैक्टर्स है, लीगल फैक्टर्स है, या कोई भी और चीज जो फैक्टर्स इंपैक्ट कर रहे हैं, उनको भी हमें स्टडी करना पड़ेगा फॉरेन मार्केट के अंदर इंटरनेशनल लेवल पे. इंटरनेशनल प्राइसिंग मेथड्स कौन से है? अभी मेथड्स को अगर मुझे स्टडी करना है, कॉस्ट बेस है, डिमांड बेस है, कॉम्पिटिशन बेस है, वैल्यू प्राइसिंग है, तो प्राइस डिसाइड करते वक्त, वो डिसीजन लेते वक्त मुझे क्या करना है कि मेथड से अप्लाई करना है. कॉस्ट बेस्ड मेथड के में क्या आता है, डिमांड बेस. अगर बहुत एक्सेसिव डिमांड है मार्केट की, तो ऐसे हालत में हम बढ़ा देते हैं ना डोमेस्टिक मार्केट में प्राइस. अभी कोरोना की वजह से मास्क जो है, सैनिटाइजर्स जो है, तो इन सब की प्राइस क्या हो गई, बढ़ गई. क्यों? डिमांड बेस्ड प्राइसिंग थी ना, जितनी ज्यादा डिमांड उस चीज के लिए उतना ज्यादा उसकी प्राइसिंग रहेगी. तो इंटरनेशनल लेवल पे जब हम प्राइस डिसाइड करते हैं, तो प्राइस डिसाइड करते वक्त हम ये मेथड से अप्लाई कर सकते हैं. कॉस्ट बेस, कॉस्ट ज्यादा है उतनी बढ़िया प्राइस होगी, डिमांड ज्यादा है उतनी बढ़िया प्राइस होगी, कॉम्पिटिशन ज्यादा है, कॉम्पिटिशन बेस्ड में हमने जैसे डोमेस्टिक मार्केट में स्टडी किया ना, पॉलिसीज, डिफरेंट डिफरेंट पॉलिसीज को स्टडी किया, ओलिगोपॉली देखा, मोनोपॉली देखा, इकोनॉमी जो आपका इकोनॉमिक सब्जेक्ट है उसके अंदर हमने ये स्टडी किया था. तो इस तरह से हमें प्राइस को डिसाइड करना है. वैल्यू प्राइसिंग, वैल्यू क्या है? अभी आप लोग बोलते हो ना कि मेरी तो कुछ वैल्यू ही नहीं है. बहुत बार हम लोग ऐसा इंसल्टिंग फील जब भी करते हैं ना, घर में, फैमिली में हो, या स्कूल में, कॉलेज में, कहीं भी आप काम कर रहे हो, तो आपकी एक वैल्यू बनती है उस काम की वजह से. आपका परफॉर्मेंस कैसा है, उस तरह से वैल्यू बनती है. उस वैल्यू की वजह से आपको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, राइट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज या राइट्स मिलते हैं. तो वैसे इंटरनेशनल लेवल पे अगर आपका प्रोडक्ट जा रहा है, तो वैल्यू प्राइसिंग क्या है कि कस्टमर के माइंड में आपके प्रोडक्ट की वैल्यू क्या है. वो डेली बेस का प्रोडक्ट है. अगर आप सॉल्ट को देख सकते हो, सॉल्ट कैसे कि डेली यूज होने वाला प्रोडक्ट है, डेली कंजप्शन का प्रोडक्ट है, तो उसकी एक अलग वैल्यू है हमारे माइंड में, कस्टमर के माइंड में. वैसे आपका प्रोडक्ट अगर हेल्थ रिलेटेड है, किसी फूड रिलेटेड, फूड आइटम्स रिलेटेड है, तो फिर उसकी एक वैल्यू बन जाती है कस्टमर के माइंड में. उसकी नीड कितनी है, उसके ऊपर उसकी वैल्यू डिपेंड करती है कि आपका कंजप्शन पैटर्न या आपकी लाइफस्टाइल ऐसी कि वो डेली यूज का प्रोडक्ट बन गया है, तो शायद वैल्यू अलग होगी. तो ऐसे हालात में उसकी प्राइस भी अलग ही हम डिसाइड करते. टारगेट रिटर्न प्राइसिंग, यानी कि मैंने कुछ टारगेट्स रखा है कि जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि इस प्रोडक्ट को सेल करने के बाद मुझे रिटर्न्स कितना एक्सपेक्ट है, तो उस तरह से हम क्या करते हैं, टारगेट रिटर्न प्राइसिंग या गोइंग रेट प्राइसिंग. मार्केट की कंपटीशन जिस तरह से जा रही है, आगे बढ़ती जा रही है, बढ़ रही है, कम हो रही है, वैसे हम क्या करते हैं, गोइंग रेट लगा देते हैं, उस तरह की प्राइसिंग डिसाइड कर लेते हैं. इंटरनेशनल लेवल पर हम कुछ स्ट्रेटेजीज भी अप्लाई करते हैं प्राइसिंग रिलेटेड, जैसे स्कीमिंग. हमने डोमेस्टिक मार्केट में भी देखा ना, स्कीमिंग प्राइसिंग, पेनिट्रेशन प्राइसिंग, प्रेडेटरी प्राइसिंग. तो उस तरह से इंटरनेशनल लेवल पे भी स्टडी करना है. इश्यूज रहते हैं कुछ प्राइसिंग रिलेटेड, जैसे ग्रे मार्केट है, काउंटर ट्रेड है, डंपिंग है, ट्रांसफर प्राइसिंग क्या है, ये हमें अभी आगे डीपली स्टडी करना है.
ग्रीन एनवायरमेंट आपने स्टडी किया ना लास्ट ईयर मार्केटिंग के सब्जेक्ट में, वैसे यहाँ पे ग्रे मार्केट को स्टडी करना है। अभी इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजन किस तरह से लिए जाएंगे, जैसे कि किसी प्रोडक्ट को या सर्विस को जब भी हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उसके लिए कुछ चैनल्स का यूज किया जाता है। अभी चैनल्स यूज करने हैं तो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स कौन से होने चाहिए, ये कंसेप्ट क्या है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स की इंटरनेशनल लेवल पे, उसके बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। टाइप्स ऑफ इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल एंड फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग सिलेक्शन ऑफ इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। अभी मुझे अगर किसी बाहर की कंट्री में मेरा प्रोडक्ट सेल करना है तो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए मैंने जो भी चैनल चूज किया है उसके ऊपर कौन से फैक्टर्स इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। मैंने वाटरवे से ये क्या डिस्ट्रीब्यूट किया, या मतलब जिस भी आप एयरवे से प्रोवाइड कर रहे हो या रेलवे से प्रोवाइड कर रहे हो, रेल का जो भी ये है चैनल है, तो कौन से चैनल मेरे लिए सुटेबल कौन सा चैनल है वो मुझे देखना पड़ेगा। उस फैक्टर्स के क्या इन्फ्लुएंस किस तरह का है उसको स्टडी करना बहुत जरूरी है। अभी यहाँ पे प्रमोशन डिसीजंस लिए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे इंटरनेशनल प्रमोशन डिसीजंस। अभी कंसेप्ट क्या है उसकी, प्रमोशन देना है ना कि आप लोग हर तरह से उसका मार्केटिंग कर लेते हो, एडवर्टाइजिंग कर लेते हैं, तो यहाँ पे इंटरनेशनल प्रमोशनल कंपेन्स है। अगर मुझे ये कंपेन शुरू करनी है तो उसका प्लानिंग करना पड़ेगा। प्लानिंग के दौरान कुछ स्टेप्स दिए हैं कि हम लोग प्लानिंग करते हैं ना, जैसे ट्रिप का एक प्लान बनाया जाता है कि हम सुबह इतने बजे घर से निकलेंगे, बस से जाएंगे या ट्रेन से जाएंगे या फ्लाइट से जाएंगे, वहाँ पे हम लोग कितने बजे पहुंचेंगे, हमारा ट्रेवलिंग का टाइम पीरियड कितना होगा, हॉल्ट कहाँ पे लिया जाएगा, इस तरह का जो प्लान रहता है ना स्टेप बाय स्टेप, कितने स्टेशन हमें आगे जाना होगा या हमारा फाइनल जो डेस्टिनी है वो कहाँ तक है, कितने स्टेशन जाने के बाद है तो हम किस स्टेशन पे रुक सकते हैं, खाना खा सकते हैं या ब्रेकफास्ट ले सकते हैं, तो उस तरह से हम ट्रिप का प्लान बनाते हैं। अगर मुझे ये कंपेन करनी है, प्रमोशनल कंपेन एडवर्टाइजिंग करना है, तो मैंने सेगमेंटेशन किया, टारगेटिंग किया, तो उसके बाद स्टेप्स जैसे आते हैं डिटरमाइन द टारगेट ऑडियंस। तो पहले टारगेट किया हुआ ऑडियंस डिटरमाइन करो, स्पेसिफिक कंपेन उनके लिए डिसाइड करो, क्योंकि अगर जैसे हमने डोमेस्टिक मार्केट में स्टडी किया ना स्मॉल किड्स है, तो स्मॉल किड्स को टारगेट करना है तो इसका मतलब स्मॉल किड्स को तो कुछ जानकारी रहती नहीं है, मतलब वो इतने मैच्योर तो नहीं आपके एडवर्टाइज देख के उनको समझ में आए इसका इम्पोर्टेंस कि ये प्रोडक्ट क्या है। तो उनके लिए जो परचेसिंग करने वाला फैक्टर है वो कौन है, फैमिली मेंबर का, उनके पेरेंट्स या मोस्टली उनके मदर्स, तो मदर्स की एज को ध्यान में रखते हैं, उनका सेक्स है फीमेल, फीमेल्स है, तो हमें क्या करना है उस कंपेन के अंदर डिटरमाइन स्पेसिफिक कंपेन। तो सेगमेंटेशन किया, टारगेट किया, टारगेट करने के लिए मैंने स्पेसिफिक कंपेन को डिटरमाइन किया, डिटरमाइन बजट्स, मेरा बजट कितना है। बहुत बार हम लोग वही चीज भूल जाते हैं कि अरे मुझे ट्रिप के लिए जाना है और मैं दिल्ली अगर जा रही हूँ, ट्रिप मेरी फाइनल हुई, तो घर में आपको पूछा जाता है कि पेरेंट्स पूछते हैं कि तेरा बजट कितने का है, उन्होंने फीस तो भर दी ट्रिप के लिए, जो फीस पेड करनी थी स्कूल की या कॉलेज की तो वो पेड कर दी, लेकिन आपके पास भी तो कुछ होना जरूरी है ना, शॉपिंग के लिए आपको बजट दिया जाता है घर से। अगर वो बजट आपने डिटरमाइन नहीं किया तो भी आपका फ्लॉप शो हो सकता है, आप डिसेटिस्फाई हो सकते हो। इसका रीजन क्या है कि बजट बनाना हर चीज में बहुत जरूरी है। इंटरनेशनल लेवल पे अगर आप कंपेन कर रहे हो, जब अपन मुहिम सुरू करना म्हणतो प्रमोशनल एडवर्टाइजिंगची, तर यामध्ये तुमचं बजेट असणं गरजेचं आहे। मला खूप लोकांना अट्रॅक्ट करायचंय म्हणून माझ्या प्रोडक्टचं जेवढं सेलिंग होणार आहे ना, प्रॉफिट मला त्यातून मिळणार आहे, त्यापेक्षा दुप्पट खर्च मी ऍडव्हर्टाइज वरच करत असेल तर मला काही प्रॉफिट मिळणार नाही। त्यामुळे यू हॅव टू फर्स्ट डिटरमाइन युअर बजेट्स, डिटरमाइन मेसेज ऑल्सो, मेसेज किस तरह से फॉरवर्ड किया जाएगा उसका भी एक तरीका है। जैसे हम बोलते हैं ना, हर चीज को प्रेजेंट करने के लिए एक ये दिया जाता है, क्राइटेरिया दिया जाता है, तो उसके अंदर है कि हमें वो मैसेज फॉरवर्ड करना है। अगर मैं टीचर हूँ, आपको सिखा रही हूँ, तो मेरे लिए भी कुछ लिमिट्स है कि मैं किस तरह से आपको सब्जेक्ट नॉलेज प्रोवाइड करूँ। अगर मैं उस लिमिट्स को क्रॉस कर रही हूँ, मेरा मैसेज सही से फॉरवर्ड नहीं किया जा रहा है,
तो शायद मेरा कस्टमर यानी मेरे स्टूडेंट्स मैं सेटिस्फाई नहीं कर सकती या टारगेट नहीं कर सकती। तो सो यहाँ पे हमें ये डिटरमाइन करना मैसेज, उसे डिजाइन भी करना है, डिटरमाइन कंपनी अप्रोच एंड डिटरमाइन कंपनी इफेक्टिवनेस। अभी यहाँ पे जो कंपनी अप्रोच एंड कंपनी इफेक्टिवनेस दिया है, तो आपका अप्रोच कैसा होगा? आप स्टूडेंट हो ना, अभी मेरी क्लास आपने फर्स्ट, आज फर्स्ट डे है हमारा, फर्स्ट लेक्चर है मार्केटिंग का, जो सिक्स से मैं आपको डिग्री मिलने वाली है, इसके बाद आप ग्रेजुएशन कंप्लीट करने वाले हो, तो आपका इंटेंशन कैसा है, आपका अप्रोच कैसा है? जैसे कि मुझे कोई भी चीज मार्केट में प्रेजेंट करनी है, मुझे खुद को प्रेजेंट करना है, मेरे प्रोडक्ट को प्रेजेंट करना है, तो इस कंपेन का अप्रोच कैसा होगा? अगर जैसे मैंने बताया ना कि आपका फर्स्ट डे लेक्चर का मार्केटिंग का इंटरनेशनल मार्केटिंग आज आप ओवरव्यू देख रहे हो, तो आपका अप्रोच किस तरह का है, उस फैक्टर को हमें ध्यान में रखना है। बहुत बार हम लोग ये गलत फहमी में रहते हैं कि आज तो कुछ होने वाला नहीं, मैडम तो सिलेबस ही बोलने वाले, अरे सिलेबस ही तो सब कुछ है कि जो हम लोग 1 month या 2 month तक पूरा सिलेबस स्टडी करेंगे, तो उसका बेस तो है ये सिलेबस। अगर आपको यही नहीं समझ रहा है तो शायद आगे के पॉइंट्स तो आप समझ ही नहीं पाएंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि पहले आपको सिलेबस समझना पड़ेगा, यानी अप्रोच को समझो, यहाँ पे कंपेन का इफेक्टिवनेस देखो। अगर मैंने कोई एक लेक्चर दिया, कोई एक टॉपिक आपको एक्सप्लेन किया, तो इफेक्ट कैसा हो रहा है, इफेक्टिवनेस क्या है, स्टूडेंट पे उसका असर किस तरह से हो रहा है। जैसे मार्केट में अगर मैं कोई कंपेन कर रही हूँ इंटरनेशनल लेवल पे, तो उसके इफेक्ट्स क्या है, कस्टमर किस तरह से बिहेव कर रहा है, रिस्पॉन्स कैसा मिल रहा है, उसे भी तो स्टडी करना पड़ेगा। अगर मैं उसे स्टडी नहीं करूंगी तो शायद मुझे लगेगा कि मैं करेक्ट वे से कंपेन चला रही हूँ, लेकिन मुझे आउटपुट मिलेगा फाइनली नहीं मिलेगा, क्योंकि इफेक्ट को जाना ही नहीं तो मैं इम्प्रूवमेंट कर नहीं सकती। स्टैंडर्डाइजेशन वर्सेस अडैप्टेशन, अभी अडैप्टेशन क्या है, स्टैंडर्डाइजेशन क्या है, बहुत बार हम बोलते हैं मैं स्टैंडर्ड प्रोडक्ट ही यूज करती हूँ। तो इंटरनेशनल प्रमोशनल स्ट्रेटेजीज जो है या जो टूल्स है, उसका स्टैंडर्ड क्या है और किस तरह से वो अडेप्ट किए जाते हैं, किसी कंट्री में उसे बहुत ज्यादा डिमांड हो सकती है उस कंपनी के लिए या उस प्रोडक्ट के लिए, सर्विस के लिए, किसी एक कंट्री में पूरा रिजेक्शन मिल सकता है। मतलब अडेप्टेशन जो है वो अलग अलग तरह से हो सकता है या अलग अलग हो सकता है, समझ में आ रहा है ना, क्योंकि हर एक कस्टमर का बिहेवियर चेंज है। आपको भी पता है ना, हमने सीबी स्टडी किया लास्ट ईयर, तो यहाँ पे इस तरह से चेंजेस हो सकते हैं। नेक्स्ट पेज पे हम देख सकते हैं अभी, ये क्या हो रहा है, हम लोग आगे गए शायद। थर्ड यूनिट हमने यहाँ तक देखा, स्टैंडर्डाइजेशन, आगे का पार्ट शायद इसमें नहीं दिख रहा है, तो मैं मेरे बुक से आपको एक्सप्लेन करती हूँ। स्टैंडर्डाइजेशन के बाद आपका टॉपिक है प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज, सॉरी फोर्थ यूनिट स्टार्ट हो जाता है, फोर्थ यूनिट का शायद यहाँ पे स्क्रीन पे नहीं दिख रहा है, तो हम लोग देख सकते हैं फोर्थ यूनिट के अंदर क्या दिया है, डेवलपमेंट्स इन इंटरनेशनल मार्केटिंग। तो अभी डेवलपमेंट्स किस तरह से है, इंट्रोडक्शन टू डेवलपिंग इंटरनेशनल मार्केटिंग प्लान, कि जो भी मतलब डेवलपिंग इंटरनेशनल मार्केटिंग प्लान, जो भी प्लान बनाने हैं आपको कि इंटरनेशनल लेवल पे अगर मुझे प्रमोशनल प्रमोशन देने हैं, मार्केटिंग में अप्लाई करने हैं, तो आपके क्रिएटिव माइंड से जो भी कुछ आएगा उसे क्या करना है आपको, प्लान के अंदर डालना है। मतलब जब भी हम प्लान बनाते हैं ना, तो हर एक के दिमाग से अलग अलग आइडियाज आते हैं,
तो उस आइडियाज को आपको प्रेजेंट करना है। यहाँ पे उन्होंने इंटरनेशनल मार्केटिंग ऑपरेशंस दिए, डिवाइजिंग इंटरनेशनल मार्केटिंग प्लान दिया है। तो सेकेंड चीज बताइए, डेवलपमेंट इन इंटरनेशनल मार्केटिंग के अंदर स्ट्रेटेजीज है, नीड फॉर इंटरनेशनल स्ट्रेटेजीज। स्ट्रेटेजीज की जरूरत हर मार्केट में हो सकती है या है। उसका रीजन ये है कि कोई स्ट्रेटेजी जब तक आप यूज नहीं कर सकते, यूज नहीं कर रहे तब तक आप सामने वाली पार्टीज को सेटिस्फाई नहीं कर सकते। हर एक का दिमाग अलग तरह से चलता है, सीबी अलग है, तो आपको कुछ इंटरनेशनल स्ट्रेटेजीज के टाइप्स ढूंढने होंगे। एक कोई एक ही स्ट्रेटेजी नहीं चलेगी, क्योंकि कस्टमर अलग अलग बिहेवियर का है, तो अलग अलग स्ट्रेटेजीज आपको वहां पे अप्लाई करना है। एक कंट्री का कस्टमर अलग, एक कंट्री में भी दो ग्रुप्स हो सकते हैं। कल्चरल एनवायरनमेंट स्टडी करो, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट स्टडी करो, तो आपको समझ में आएगा कि ऑक्यूपेशन पैटर्न क्या है, लाइफस्टाइल क्या है, उसके हिसाब से आपको स्ट्रेटेजी अप्लाई करनी है इंटरनेशनल लेवल पे। और फोर्थ यूनिट में सबसे लास्ट जो दिया है, इंटरनेशनल मार्केटिंग ऑफ सर्विसेज। तो यहाँ पे आपको सर्विस किस तरह से प्रोवाइड की जाएगी, जैसे हमने सर्विस मार्केटिंग स्टडी किया ना लास्ट सेम में, तो कंसेप्ट क्या है, इंटरनेशनल लेवल पे मुझे कोई सर्विस प्रोवाइड करनी है तो मैं क्या कर सकती हूँ, उसके अंदर फीचर्स क्या होंगे उस सर्विस के, नीड क्यों है, ड्राइवर्स कौन से है, या ग्लोबल सर्विस मार्केटिंग के ड्राइवर्स क्या है, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हमें सर्विस मार्केटिंग के ढूंढने होंगे, और सर्विस का कल्चर क्या है। इस तरह से हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, और जो फर्स्ट यूनिट है हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि इंट्रोडक्टिव पार्ट कुछ होने के बाद आपका जो इंटेंशन है वो ये रहता है कि लेक्चर पूरा होना चाहिए, तो फर्स्ट डे है, तो इसके लिए हमने आज ओनली ओवरव्यू देखा, सिलेबस के बारे में स्टडी किया। नेक्स्ट लेक्चर से हम सिलेबस एक्चुअल में स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट मॉड्यूल को स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए हम यहाँ तक ही रुकते हैं। सो थैंक यू सो मच।